200 लोग कार्यरत थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनको कार्य से निकाल दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके जो रसोईया और स्वीपर हैं, उनके ऊपर उनके पूरा परिवार आश्रित था। लगभग 8 महीने हो गए इनको कि उन्हें खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार कहती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय करिए प्रश्न जी, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि लॉकडाउन में हर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग जो हमारे दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी है वो इनसे वंचित है। प्रश्न करिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन्हें राशि उपलब्ध हो जिनसे इनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। और दूसरा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि आदिम जाति कल्याण विभाग में जो सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ लहरे करके एक हैं और बाबू के पद पर पदस्थ हैं एक कायस्थ करके, ये दोनों पूरे विभाग को पूरा बदनाम करके रखे हैं। हर काम में पैसों की मांग करते हैं और जो पैसे देते हैं वो उन्हीं का वो कार्य करते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनका कार्य नहीं करते हैं। प्रश्न करिए। ये प्रश्न ही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है। तो और ये उपाध्यक्ष महोदय, अंतर जाति जो विवाह प्रोत्साहन राशि होती है पैसा खा रहे हैं सब स्तर में, ये प्रश्न है, उसको मना करेंगे क्या पैसा खाना को? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन जो राशि होती है उसमें भी ये लोग 40% 50% की मांग करते हैं और यहाँ तक कि माननीय आप बैठिए चंद्राकर जी, आप बैठिए चंद्राकर जी, आप बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति प्राधिकरण का जो निधि होती उसमें भी ये लोग सरपंच सचिवों से पैसे की मांग करते हैं और तब तक राशि जारी नहीं करते जब तक पैसों की उनकी प्रश्न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत गंभीर, आप लोग तो बैठे और दोनों ने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि तत्काल उनको मेरे जिले से हटा दिया जाए और जो हमारे जो रसोईया जो कर्मचारी है उनको प्रोत्साहन राशि, मतलब उनका जो राशि है जिनके कारण वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको राशि प्रदान की जाए। अब इसी सदन में आप घोषणा कर दे, ऐसे मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न था संविदा कर्मचारियों का, तो संविदा कर्मचारी तो वहाँ पे कोई अभी वहाँ पे है नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो दैनिक भोगी जो कर्मचारी हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में आश्रम और छात्रावास बंद है और जब काम की जब जरूरत पड़ती है तो उसमें दैनिक भोजन जो कर्मचारी उसमें कलेक्टर दर पे उसमें रखते हैं, क्योंकि अभी बंद है इसलिए अभी तो ये संभव नहीं है इसको रखा जाना। और बाकी जो भी शिकायतें उनकी हैं मैं उसको उसकी जांच करा लूँगा, क्या उसमें किस प्रकार से शिकायतें हैं, सबकी अलग अलग उसमें रहती है। आपके जो प्राधिकरण के तो उसके अलग अलग अध्यक्ष रहते हैं उसके, तो कुल मिला के जो अभी जो कि लॉकडाउन है वो आपके कोविड के कारण बंद है आश्रम और छात्रावास, इसलिए वो जो भी उसमें रसोईया हो चाहे पानी पिलाने वाला हो चाहे वृद्ध हो उनकी अभी जो दैनिक वेतन में जो रखते हैं उसको अभी नहीं रखा गया। पर नाम लिया है कर्मचारियों को, पहली बार निर्वाचित सदस्य और पूरी सदन की जानकारी में आया है। आप बैठिए। अच्छी बात तो यह होगी कि आप कार्यवाही की घोषणा कीजिए। आप बैठिए। कुछ माननीय सदन के सामने उनकी एक एक बात को रखे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहते कि इस सदन में आप घोषणा करें कि उनके ऊपर मतलब कार्य उनको हटाया जाए तत्काल वहां से मेरे जिले से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संपूर्ण जो जो विधायक जी ने कहा उसकी जांच करा लूंगा और जांच करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकता है उसमें कार्रवाई करेंगे। चलो ठीक है, विधायक की उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? कृष्ण माननीय उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण मामला है, एक अधिकारी के खिलाफ विधायक जो है विधानसभा में प्रश्न कर रही है और उसमें समुचित कार्रवाई नहीं हो रही, जांच कराने का आप आश्वासन दे रहे हैं, विधायक की उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? विधायक की उपस्थिति में जांच करा लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सीधे सीधे बिना कुछ किए प्रश्न करना चाहता हूं कि ये माननीय मंत्री जी किन किन जिलों में कितने कितने उपाध्यक्ष जी, ये सीधे सीधे बिना कुछ किए ये क्या होता है?
मैं बताऊं कि इन विद्या मितानिनों के बीच में सीधे सीधे मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि पालथी मार करके बैठ करके चाय पी करके लड़िया करके उनसे उनकी आश्वासन देते थे, इसीलिए मैं उन बातों को न करके सीधे सीधे प्रश्न कर रहा था मंत्री जी। चलिए बोलिए। कितने विद्या मितानिन हैं के रूप में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें कब से वेतन नहीं मिला है? पहली बात तो यही, कोई विद्या मितानिन अभी है ही नहीं। अरे वाह, तो शिक्षा तो उनको वेतन देने कब से निर्धारित नहीं है? कब से नहीं, आपने कहा ना कि विद्या विधान कब से नहीं मिला? विद्या विधान तो है नहीं, विद्या विधान किस रूप में मिला? विद्या विधान तो अभी कोई है नहीं, विद्या विधान उसको उनको वेतन देने का कोई प्रश्न उठता है, वो उपस्थित नहीं होता। अतिथि शिक्षक के रूप में होंगे, ये पूछना, अतिथि शिक्षक के रूप में होंगे वो अतिथि, आप अभी परिभाषित कर लीजिए, अलग अलग प्रकार की परिभाषित कर लीजिए, लेकिन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत, ठीक है। उन्हें कितने दिनों से वेतन नहीं मिला, इसका उत्तर दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक की एक व्यवस्था हमने की थी और जहां रिमोट एरिया में, शेड्यूल एरिया में, आदिवासी क्षेत्र में जहां पर वैकेंसी है तो वहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में उनको नियुक्ति दी जानी थी वहां पर पढ़ाने के लिए, और ये एक एक, एक शिक्षकीय व्यवस्था थी। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, किस किस जिले में बता रहे हैं? किस जिले में नहीं आया? सुन तो लिया पहले भाई, ट्राइबल क्षेत्र में बता रहे हैं, सीधे सीधे अपन बात कर रहे हैं ना माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मान से। तो अतिथि शिक्षक की जो आप बैठे ना, अब बैठे, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं की गई, ये एक व्यवस्था है जिसके तहत जो जहां पर रिमोट एरिया में व्याख्याताओं के पद रिक्त थे वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था वहां के शाला प्रबंधन और विकास समिति द्वारा की जानी थी, और उसके लिए जो जो वरीयता उसमें उसमें थी कि कहां कहां उसको नियुक्त करना है, उसके लिए अलग अलग जिलों में जहां जहां वैकेंसी थी वहां पर उसको किया गया। और ये था कि जब ये पढ़ाएंगे ऑफलाइन वहां पर स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, उनके लिए अलग से पंजीयन की संधारित की जाएगी और शाला विकास समिति उसको सर्टिफाइड करेगा, उसके बाद उनको जो वेतन जो भी उसके मानदेय था वो उसमें दिया जाएगा। और इनकी संख्या उस समय लगभग 2220 की थी, उसमें सभी जिलों के हैं, सभी जिलों में क्या मतलब कुल है इसमें 2220 की इनकी संख्या थी। क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में स्कूल सभी बंद हैं, जब स्कूल बंद हैं तो वहां पढ़ाई नहीं, बुरी बात सुनिए ना, जब स्कूल बंद है, मार्च से स्कूल बंद है और बंद है तो वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऑफलाइन, इस कारण से उनको वहां पर किसी प्रकार की सुविधा उसको नहीं दी जा रही है। अजय चंद्र माननीय, चल ले ले ले, आप तीन क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अजय चंद्राकर जी को पहले दीजिए, नहीं तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ, वो इसीलिए मैं अपनी बात ना कहें तो जी। स्कूल शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा पर मेरा एक, और उच्च शिक्षा पर 139 था, जिसको आसंदी ने कहा था अगले सत्र में लेंगे, आगे जब प्रश्नों को सुनेंगे तो देखेंगे कि प्रदेश में स्थिति कितनी खराब है। चलिए बोलिए, आप सुनेंगे वो स्थिति सीतापुर में भी। प्रश्न करिए, प्रश्न देखिए, आप जो स्कूलों की स्थिति खराब के बारे में बोल रहे हैं, आप ही के समय में याद करिए, मैं स्कूल नहीं बोला, 3000 स्कूल आपने बंद कर दिया था, चक्कर है ये, वही सरकार जिनके समय 3000 स्कूल प्रदेश में बंद कर दिया गए थे। उपाध्यक्ष जी बैठे बैठे, मंत्री जी बोले, अरे यार शर्मा जी आप लोग खुद उनको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया मैं उसी में दो प्रश्न एक साथ कर देता हूं। चलिए एक ही क्वेश्चन करेंगे। विद्या मितानिनों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया गया है,
माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनेंगे तो उन्होंने कहा शासन के द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑफलाइन स्कूल चलेगी, उस समय जितना पढ़ाएंगे उसका हम लेंगे, फिर शाला वेतन समिति शाला विकास समिति उसको प्रमाणित करेगी तब वेतन दिया जाएगा। इनका प्रश्न जो था कौन कौन से जिले में कैसे कैसे इसको नियुक्त किया जाएगा, जो उत्तर दिया। मेरा इसमें प्रश्न यह है कि व्यवस्था होने तक कार्य आदेश जारी किया है तो कार्य आदेश किसने कब जारी किया, एक कितने शिक्षकों का जारी किया और अब तक उनको कितने अवधि का कितना वेतन प्राप्त है और कितना वेतन प्राप्त नहीं है, एक बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा यह है इसी में कि 14,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। 14,580 किन किन पदों पर, सहायक शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, किन पदों पर नियुक्ति की जा रही है और यह प्रक्रिया कहां पर है और कब तक नियुक्ति आदेश होगा? मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक एक अंतरिम व्यवस्था है। आज पूरा भूमिका जब बनते हैं अध्यक्ष जी प्रश्न इतना विस्तृत किए हैं तो पूरा उत्तर सुन लीजिए आप, कुछ जितना पेज है वो पूरा पढ़ के बताएंगे तब मिलेगा आपको उत्तर, पूरा पूरा पढ़ना भैया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतिम व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति प्रस्थापना आदेश जारी नहीं किए जाएंगे और चयनित होने पर के उपरांत वो जहां पर स्कूल होगा वहां। और इसके आदेश जो जारी हुए हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आदेश 24/6/2019 को जारी किए गए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय पूरा आप सुनते नहीं है, बीच में ही खड़े हो बताइए। और डॉक्टर साहब इतना पढ़िए, सब के सब व्यवस्था देते हैं भाई, सब के सब। नहीं सुनिए तो उधर आ जाओ ना, इस्तीफा दे। नहीं सर सुनिए तो, आप हर बात पे खड़े होते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप भाई पूरा उत्तर दे रहे हैं, सुनिएगा तब ना। चलिए मंत्री जी, डॉक्टर साहब पूरा पढ़िए जब तक वो बेहोश ना हो जाए। बोलिए, वो दूसरा मंत्री बोल रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ये आदेश जारी हुए थे 24/6/2019 को और इसमें अलग सभी जिले में है और इसकी ये था कि जब तक नए नियुक्ति नहीं की जाएंगी तब तक वो अपने वहां काम करेंगे। और आपने ये प्रश्न पूछा कि जो भर्ती जो हो रही है 14,580 के कितने कितने कहां कहां भर्ती हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें व्याख्यातक के जो प्रस्थापना भर्ती जो हो रही है इसमें वो 3,177, शिक्षक 5,441, सहायक शिक्षक 4,000, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 456, सहायक शिक्षक 306, सहायक शिक्षक विज्ञान 1200, इस प्रकार से 14,580 नियमित शिक्षक। आपके समय तो सब कर्मी थे, अब कोई कर्मी हमारे यहां नहीं है। हम जब जब भर्ती कर रहे हैं, नियमित भर्ती कर रहे हैं। आप लोग तो केवल काम टालने के लिए करते थे। शिवरतन शर्मा जी, कभी भर्ती नहीं हुई। आप उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय आपके द्वारा दो क्वेश्चन किए गए हैं, एक आग्रह, संयुक्त रूप से दो क्वेश्चन किया गया है, आग्रह कर रहा हूँ। चलिए अनुमति देनी होगी, दीजिएगा आपके बाकी लेके बाकी लोगों के नहीं प्रश्न पे ध्यान रखा जाए। देखिए बाकी लोगों के प्रश्नों पे भी ध्यान रखा जाए। देखिए सबसे दुखद बात तो यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर माननीय इधर के लोग व्यवस्था देते हैं, आसंदी व्यवस्था नहीं देती, हम लोगों के इधर के लोग व्यवस्था देते हैं, ये दुखद बात है इस सदन में। दूसरी बात, उससे भी दुखद बात यह है कि संवेदना करते समय भी टोका टोकड़ी करना बहुत ही सदन का गलत। आप मेरी निंदा कर लीजिए, उसमें आपको स्वतंत्र है। चलिए करिए। मैं ये बोल रहा हूं, आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रश्न में जो उत्तर आए हैं उसको पढ़ लीजिए। आपसे आग्रह कर रहा हूं, संदीप पढ़ती हूं उत्तर को, कई बार हमने देखा है। नहीं, आपके द्वारा ये कहा गया, व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया है। मैंने ये पूछा है कि व्यवस्था तो अभी हुई नहीं है, ऑफलाइन आपने उल्लेख किया, ऑफलाइन जिस दिन से नियुक्ति हुई ऑफलाइन क्लासेस में कितना पैसा उनको देना था, उन अतिथि शिक्षकों को या नाम जो भी रखा हो, कितना पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया उनको, और कौन कौन से जिले का नाम तो अब तक नहीं बताए। एक
दूसरा मैंने संख्या नहीं पूछी थी, मेरे समय में क्या था यह नहीं पूछा मैंने, यह राजनीतिक उत्तर से मतलब नहीं। मैंने यह पूछा कि 14,500 के दो साल हो गया विज्ञापन में, उसकी तनख्वाह ज्यादा खर्च हो गया अब तक इतने शिक्षकों की भर्ती हो रही करके, तो मैं ये जानना चाहता हूं ये शिक्षक भर्ती रुकी कहां पर है और कब तक उसका नियुक्ति आदेश जारी होगा, ये पूछा हूं। संख्या नहीं पूछा हूं, संख्या तो इसमें है। विज्ञापन कब कर रहे हैं, कब तक होगा, कब तक नियुक्ति होगी बता दीजिएगा। विज्ञापन कब तक है? नहीं, माननीय उपाध्यक्ष ने संख्या पूछा था आपने, किन पदों पर माननीय उपाध्यक्ष जी हर बार प्रश्न बदल देते हैं, पूछते कुछ और है उत्तर आता है, तो प्रश्न अगले बार बोलते मैंने ये पूछा था। नहीं माननीय नहीं बैठे जी, आपको मैं दूंगा अवसर, आप बैठे तो हर मंत्री मंत्री जी उन्होंने संख्या, आप बैठे तो बैठे, कितना कितना संख्या का भगत जी आप बैठे 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 भगत जी बैठे आप बैठे भगत जी आप बैठे भगत जी आप बैठे बैठे चंद्राकर जी आप बैठे मंत्री जी, एक तो इसको विलोपित किया गया, आप बैठे बैठे श्रीवर्धन शर्मा जी, माननीय उपाध्यक्ष जी इस प्रश्न को नहीं पूछना, बोल दीजिए नहीं पूछेंगे माननीय सभापति महोदय, इनको नहीं पूछेंगे विश्वनाथ जी, नहीं पूछेंगे, आप व्यवस्था कर दीजिए इस प्रश्न को नहीं पूछना करके नहीं पूछेंगे। व्यवस्था ये है कि आपने कहाँ नियुक्ति, कितना कौन कौन से पद में नियुक्ति किए हैं और कितने पद, ये पूछे हैं आप, ये पूछे उपाध्यक्ष। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अपने प्रश्न में कहा, उत्तर में कहा कि प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। मुझे मंत्री जी ये बता दें कि 14,580 पदों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन कब निकला, कब इनका वेरिफिकेशन कराया गया, अब वेरिफिकेशन कराने के बाद इनका नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं किया गया, विलंब के कारण क्या है, ये स्पष्ट कर दे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 14,580 जो भर्ती करनी थी शिक्षकों की, नियमित शिक्षकों की, और उसका विज्ञापन जारी किया था 9 मार्च 2019 को, और उसके बाद उनके जो परीक्षा हुए व्याख्याता के 14/7/2019, उनका परीक्षा परिणाम आए 1/10/2019 को, उसके बाद निरंतर उसके जो सत्यापन जो होता है उसके बारे में यहाँ निरंतर कार्रवाई होती रही। सुन लीजिए मेरे बात सुनिए, आप उत्तर सुनिए, आप उत्तर तो सुन लीजिए पहले निकला माननीय मंत्री जी को उत्तर पढ़ लीजिए फिर पूछ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उत्तर दे, आप सुनने नहीं, विश्वपति सिंह जी, विश्वपति आप सुनना नहीं चाहते क्या, विश्वपति सिंह जी आप बैठे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न ये किया कि जो 14,580 शिक्षकों की जो नियमित नियुक्ति हो रही है उनकी विज्ञापन कब जारी हुआ था, ये पूछा था आपने, मैंने उसको बता दिया कि दिनांक 9 मार्च 2019 को इसका विज्ञापन निकला था, उसके बाद फार्म उसमें भरे गए, उसके बाद उसकी परीक्षा आयोजित की गई, परीक्षा के पेपर परिणाम आए, उसके बाद जो सत्यापन की जो कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई थी, और सभी लोगों को यहाँ बुलाना था, सुन लीजिए, सभी लोगों को यहाँ पे बुलाना था, और उसी समय एक आपके कोविड-19 आ गया, तो इस कारण से हम उसको जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन निश्चित है कि हम सभी का आपके जो जितने आए हैं उनका सत्यापन करेंगे और इनके जितना जल्दी हो सकता है उनकी नियमित नियुक्ति उसकी की जाएगी। मोहन मरकाम जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, 1/10/2019 को इसका रिजल्ट आ गया, एक बार वेरिफिकेशन विज्ञापन ये 14,580 पदों पे भर्ती नहीं दी जा रही, उपाध्यक्ष जानबूझ करके भर्ती प्रक्रिया को लेट कर रही है,
और एक तरफ ये कहते हैं कि आपके समय शिक्षक भर्ती नहीं किया जाते थे, हम शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। चलिए मोहन गांधी किसको रोका जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? एक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पिछले सत्र में मैंने ये प्रश्न लगाया था, आसंदी के द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि जिनको निकाले गए हैं उनको रखने का भी, परीक्षण कराने का, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको नियमित वेतन मिले। लगभग 65 दिन से विद्या मितान अतिथि शिक्षक धरना में बैठे हुए हैं। सरकार में आने के पहले आप लोगों ने उनको लिख करके दिया है कि हम उसको रेगुलर करेंगे, अब वो रेगुलर की मांग कर रहे हैं, और उसके पहले इन्होंने उनका तनख्वाह बंद कर दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिनको आपने नियुक्त किया, जब तक की व्यवस्था उसकी ना हो जाए, नियुक्ति ना हो जाए, ऐसे लोगों का तनख्वाह नहीं मिला है, और जिनको आप निकाले हैं उनको नौकरी में रखेंगे और उनका तनख्वाह कब तक जारी करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि 14,000 लोगों के सत्यापन एक बार हो चुका है, पिछले बार अपने मांगों के लिए जब धरना प्रदर्शन किए तो इनके द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, और लाठीचार्ज कराने के बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के बाद में यह आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जारी नहीं हुआ, तो उनका आदेश कब तक जारी हो जाएगा और उनका तनख्वाह कब तक दिया जाएगा, और उनको जब तक रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति ना हो, और उनको संधारण करने की बात थी कि उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये आप बताएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा था कि अतिथि शिक्षकों की जो एक अंतरिम व्यवस्था है उसमें कि जहां जगह जगह खाली है व्याख्याता के रिमोट एरिया में, वहां पर जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती तब तक वहां पे काम करेंगे। इस बीच में माननीय उपाध्यक्ष महोदय कोरोना आ गया, और कोरोना के समय में पूरे स्कूल हमारे जो बंद हैं और ऑफलाइन स्कूल वहां पे संचालित नहीं है, उसमें नियम में यही था कि जब वहां पढ़ाएंगे उनके लिए अलग से उनकी रजिस्टर होगा, संधारित होगा, वहां शाला विकास समिति वहां पे उसको चेक करेगा, वहां पर उसमें उसकी अटेंडेंस दी जाएगी, और उनको जो भी मानदेय होता है 18,000 प्रति महीने के हिसाब से वो दिया जाएगा, वैसे उसमें आदेश था। लेकिन जब उनकी भर्ती नियमित होगी तब ये इनकी सेवाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसे उसमें निर्देश दिया गया। तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे उनको? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुद एक बार सत्यापन हो गया, दूसरे बार सत्यापन हो गया, मंत्री जी से केवल इतना पूछ रहे हैं कि आप तारीख बता दीजिए कि उनका आदेश कब जारी होगा, एक समय सीमा बता दें। सीमा बता दे, तेरा शासन मेरा शासन की नारा है। मैं समझ रहा हूँ, अरे तनख्वाह आप मात्रा में उत्तर आ चुकी है। मोहन मरकाम जी, अध्यक्ष जी, विद्या विधान देख रहे हैं, 14,000 देख रहे हैं, करेंगे और मंत्री जी के उत्तर नहीं आने से हम बहिर्गमन करते हैं। मोहन मरकाम जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न किया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में विरोधाभास है, क्रमांक 802 में अलग है, 803 मेरे ही प्रश्न थे उपाध्यक्ष महोदय, दोनों में अंतर है। मैं प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था कि मंडल संयोजक के विभागीय भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या नियम निर्देशन प्रचलन में थे तथा क्या नियम में संशोधन किया गया था। माननीय मंत्री जी का द्वारा उत्तर में अनुसार भर्ती नियम 2000
11 के प्रचलन में थे तथा नियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने ही मेरे आज के ही एक अन्य प्रश्न क्रमांक 803 में यह माना है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा तृतीय एवं अभिलिपि की वर्गीय भर्ती नियम 2011 में छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण के प्रकाशित अधिसूचना 22 सितंबर 2018 द्वारा शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, दोनों उत्तर में क्या सही है? माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंडल संयोजक की जो पदोन्नति के लिए जो आदेश जो पहले जो जारी हुआ था, ये भर्ती नियम 2011, उसमें स्नातक या समकक्ष उन अभ्यर्थियों को अधिमान किया जाएगा जिनके पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य की स्नातक की डिग्री और की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उसमें 2012 में 22 सितंबर 2018 में इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें जो इनकी जो भर्ती इसमें जो जो भर्ती नियम जो बन जो होना था उसमें भी वही था कि मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के स्नातक की उपाधि, मानव विज्ञान सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि के संपर्क धारक को अभ्यर्थियों को प्राथमिकता उसमें दी जाएगी। ये पूर्व परीक्षा में भी इसी प्रकार था और अभी भी जो इसमें जो किया गया है वो भी उसमें प्रायोरिटी था, इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो विषय है उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 सितंबर 2018 द्वारा मंडल सहयोग के विभागीय भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता में क्या संशोधन किया गया और शैक्षणिक अर्हता में क्या आधार क्या था? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक अर्हता में मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के स्नातक को वांछित किया गया है। माननीय सभापति उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भी अन्य विषयों में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो दूसरे लोगों को सीधा सीधा उसमें हक मारा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन विषयों में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध ही नहीं है, वहीं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दवा लिपिकी के पद पर कार्यरत अधिकांश कर्मचारी विभिन्न विषयों में स्नातक की उपाधि सहित उस शैक्षणिक योग्यता यथा बीटेक रखते हैं तो उन्हें परीक्षा से वंचित किए जाने का क्या औचित्य है? मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वर्तमान में मंडल संयोजक के विभागीय भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे जिसमें स्नातक स्तर के योग्यता रखने वाले 451 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, किंतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता के कारण लगभग 75% अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अगर ये 451 जो आवेदन किए हैं उनके साथ अगर न्याय हो, कंपटीशन हो, ताकि बाकी लोग भी उसमें क्वालिफाई करें, जिसका होना नहीं होना तो बात का है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको भी मतलब परीक्षा में बैठने की पात्रता दी जाए, ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडल संयोजक जो हमारा होता है वो उसका अभिभागीय कामों में उसकी जो दायित्व रहते हैं, परीक्षण करने का, योजनाओं को संचालित करने का, तो विभाग द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो कल्याण के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके मनोभाव और आकलन के लिए, सबका आकलन करने के लिए मानव विज्ञान और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की योग्यता रखना आवश्यक है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संयोजक का जो कार्य हो गया अब रह गया है, क्योंकि तो स्कूल जो पहले ट्राइबल में भी स्कूल थे वो सभी शिक्षा विभाग में उसमें आ गए हैं, तो संयोजक का तात्पर्य समाज के साथ समन्वय बनाकर विकास करना है और उसके लिए मानव विज्ञान और समाजशास्त्र का जो होना अनिवार्य है। और पूर्व में भी जितने भर्ती हुए उसमें इसमें चूंकि प्राथमिकता था उसमें, अब उसको अनिवार्य कर दिया गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और अभी जो अभी जो प्रचलन में है वो पदोन्नति पर होगा,
अभी पदोन्नति जो जो आपके अधीक्षक हैं जो 10 श्रेणी के और लिपिक जिनका कार्यकाल 5 वर्ष उसमें पूरा कर लिया गया है, ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया है और वो भी इस जो जो इसके समकक्ष जो डिग्रीधारी होंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के उनको ही लिया जाएगा उसमें। माननीय उपाध्यक्ष, 451 विभागीय कर्मचारियों ने आवेदन किया था तो उनके साथ भी न्याय हो, मेरा ये निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से मंडल सहायक हेतु पूर्व में प्रचलित शैक्षणिक योग्यता को यथावत रखने के लिए नियमों में संशोधन होने तक 4827 दिनांक 16/10/20 को विज्ञप्ति विभागीय परीक्षा स्थगित हेतु आश्वासन देना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी सभी का आपका ख्याल रहे, मैं आपसे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नियमों में परिवर्तन हो गया है, 22 सितंबर 18 को तो उसमें हो गया है उसमें, और उसी आधार पर चल रहा है उसमें, अलग से उसमें करने की आवश्यकता उसमें नहीं समझता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत गंभीर एक बात यह है कि आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट में जितने थे लोग उनको शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया और जो ट्राइबल के जो लोग थे अब वो शिक्षा विभाग में जाने के कारण उनको ये मंडल सहायक की परीक्षा में शामिल से वंचित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि मूल पद स्थापना उनका ट्राइबल था, आपने उसको शिक्षा विभाग में दे दिया, अब शिक्षा विभाग में जाने के बाद उनको ट्राइबल विभाग में सम्मिलित हुई नहीं होने दे रहे, तो उनको सम्मिलित होने की अनुमति दिया जाना चाहिए, मेरा अनुरोध था माननीय मंत्री। उसमें बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत मंत्री बैठे बैठे आप लोग बैठे, मंत्री गंभीर त्रुटि, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मरकाम जी हम सर मूल पद स्थापना आपका ट्राइबल है, मैं पूछ रहा हूँ मंत्री जी, शिक्षा विभाग में कर दिया, आप शिक्षा विभाग करने का आप बैठे तो उत्तर चाहिए। मैं अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि मंडल संयोजक जो है अब उसका दायित्व केवल जो विभागीय योजनाओं को संचालित करना है उसमें, और क्योंकि सब लोगों से उसका मेल मिलाप करना रहता है। बातचीत श्री रतन शर्मा जी, हमारे आपने मुझे एप्लीकेशन भेज दिया और जब ट्राइबल डिपार्टमेंट में मंडल से जाकर भर्ती हो रहा है उसको भी अनुमति दिया जाना चाहिए। निवेदन है अनुमति देना, ट्राइबल होना नहीं होना आपने मुझे एप्लीकेशन में भी होगा, वो आपने आपकी अनुमति मिलना चाहिए जो ट्राइबल विभाग से एजुकेशन में आए, बस ट्राइबल से एजुकेशन भेजा उपाध्यक्ष जी, और हमको परीक्षा भी देने की अनुमति आपने दे रहे, परीक्षा देने से भी वंचित आप कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर त्रुटि है माननीय उपाध्यक्ष, बैठे आप लोग बैठे उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जवाब आना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी नहीं, बात बहुत गंभीर बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ये चूंकि नियमों में पहले जो 11 था भर्ती नियम 11 में था उसमें भी वो आपके जो विषय उसमें आए हैं वही विषय इसमें भी जो 2018 में जिनको अमेंडमेंट किया गया है उसमें चूंकि की व्यवस्था नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं मंत्री जी बात को नहीं समझ पा रहे, आप लोग सभी मिलकर मंत्री जी से बात करेंगे। सर सुन लीजिए, मेरा प्रश्न इस बात माननीय उपाध्यक्ष जी, समय समाप्त करने की प्रक्रिया है, नहीं नहीं कोई प्रक्रिया नहीं है, सुना कर पाए ट्राइबल वाले का उल्लंघन हो रहा है, ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोगों का, विश्वदीप सिंह जी आप बैठे ना, बैठे शिक्षा विभाग में जाने के बाद उसको परीक्षा, आप बैठे आप बैठे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीसीसी जब चेयरमैन बोल रहे हैं तो मंत्री को एक लाइन में बोल देना चाहिए, 5 मिनट खराब कर दिए उसने। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बार में अपने अध्यक्ष का कहना मान लीजिए, सर हजारों लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अध्यक्ष का कहना मान लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट के सवाल नहीं देता जी, हजारों लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है।